और मैं ऐसे वाले स्कार्फ इसलिए लेती हूँ क्योंकि जब मैं हिजाब बांधती हूँ तो मैं इसको यहाँ ऐसा रखती हूँ तो बहुत अच्छा लुक आता है स्कार्फ का, इस वजह से मैं ऐसे वाले लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ये वाला भी ऐसे ही है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तो कुछ कैसे महत तो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आप लोगों का महत पापा। इधर देखो, इधर देखो जल्दी गुड्डू, प्यारी सी दुनिया में मम्मा की सलाम कर दो सबको। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा बेटा यहाँ मेरे साथ खेल रहा है और मैं यहाँ खाना भी बना रही हूँ। यहाँ मैंने दाल चढ़ाई हूँ, पालक, मेथी, सोया, आलू, ये तीनों मिक्स भाजी बना रही हूँ। तेल गरम हो रहा है और दादा अब्बा घूम रहे हैं घर में। हाँ, 28 को मेहमान आ जाएंगे, सबको दावत दी हूँ, अब देखो कौन कौन आता है। सही है, सही ये है। हाँ, सुबह, हाँ तो 27 की सुबह, हाँ मंडी जाएंगे, हाँ सामान लेके आ जाएंगे, जो लगेगा अपने सामान। हाँ दाल, हाँ वही, अब देखो सबको दावत दी हूँ, अब जो आएगा उसका नसीब। हाँ जितने, सही बात है। तो मैंने ये सेंगन की फल्ली भी ले ली, अब मैं इसको दाल में डालूंगी, दादा बाबा अच्छी लगती है। और ये देखो यहाँ पे कड़ी पत्ता और आलू भी ले ली क्योंकि आलू अभी कम था भाजी में डालने के लिए, तो आलू भी ले ली। तो चलो अब ये भी काट देंगे। और यहाँ भाजी बघार रही हूँ और महज वहाँ पे दादा अब्बा के साथ रूम में खेल रहे हैं। तो पानी आया था, मैंने पानी भरी पर पानी वापस चला गया, सिर्फ 20 मिनट आया है ना मम्मू। हाँ हाँ छह मिली। अरे बाप, अच्छा कू करती तू, अच्छा कू करती मेरी गुड़िया। तो चलो बर्तन धोएंगे। चलो तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए और दादा अब्बा यहाँ पे सोए हैं। और चलो आधे बर्तन धो दिए, अभी इतने बाकी है, हंडा गलसी भरी, अब गैस भी पोछने का है। तो चलो तुम खेलते नीचे, तुझे मोबाइल देखो लो। तो बर्तन धो के हो चुका है और किचन भी साफ हो चुका है और वाला फिनाइल ख़त्म हो गया था मेरा पहले का, तो मैंने अभी ये वाला फिनाइल निकाली जैस्मिन का। तो चलो इसकी खुशबू चेक करेंगे। अब मैं जा रही पोछा मारने के लिए और ये बच्चा मेरी गोद में ही लटका हुआ है और कैमरे पे हाथ बार बार मार रहा है। तो चलो पोछा मार। तो मेरा बेटा यहाँ पे तैयार हो चुका है और खेल रहा है। मैं भी नहा ली, महत को भी नहला दी और 6 बजे नहलाया। तो नीचे वालों ने मुझे दिए ही नहीं 6 बजे, मुझे फिर सामने वाले भाई ने महत के अब्बू को कॉल करे, फिर महत के अब्बू ने मुझे कॉल करे, तब जाके मुझे मालूम पड़ा नल आया है। तो आधा घंटा वेस्ट हो गया। तो मैंने अब ली हूँ, अब मैं यहाँ पानी भर रही हूँ और मेरा बेटा यहाँ पे खेल रहा है। बाप भैया नको जी, अरे अरे गुस्सा गुस्सा महत, अरे दो ये दो जल्दी दो, गंदी चीज़ है वो, देख रहे कैसे कर रहा है। और देखो यहाँ पे ये मनी प्लांट है, ये झाड़ है मोगरा, दो जल्दी दो ना खूबसूरत खूबसूरत गुड़िया, खूबसूरत गुड़िया, खूबसूरत टैडी और खूबसूरत टैडी। उसका गुस्सा देखो, गुच्छा यहाँ आओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तो कुछ कैसे महत तो। अरे बाप, शेर आया, शेर आया। माऊ कैसे करती माऊ? माशा खड़े हो जाओ महत, खड़े हो जाओ। और देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कितना स्लो पानी आता है, और पर यहाँ हमारी भारत को ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट पानी आता है। ये देखो अब बताए ऐसे पानी में मेरा आधा घंटा कैसे पूरेगा, पर ये नहीं समझते हैं। देखो मैं कैसा कैसा यूज़ करती हूँ मुझे मालूम है, देखो कैसा पानी आ रहा है, पर क्या बोलने का, हमारे भारत को नहीं समझते। तो चले कोई नहीं,
अभी सब लोग आएंगे तो टैंकर ही मंगाना पड़ेगा। महत, तो देखो ये बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो मेरा महत देख देखे कितना खुश हो रहा है। बोल रहा है मुझे उठा के दिखाओ, कहाँ हुआ, गोद में ले लू, गोद में देख, गोद में लेने बोल रहा है, गोद में ले लू। और ये कचरा है फेंकने का है, महत के शूज खराब हो चुके हैं, गंदा, छी कर दिया कैसे भाग रहा देखो, छी कर दिया छी। तो देखो ये देखो टिड्डा उड़ के कैसे आया, इसको पीछे हम लोग रस्सी बांध के उड़ाते थे, पकड़ रहे, हाँ पकड़ो, पकड़ पाएंगे तो पकड़ पाएंगे, क्या है वो, क्या उसमें क्या हाथी घोड़े क्या, देखो हिल रहा महान, पिज्जा खा रहे, उड़ गया, चला गया ये ना, आजा आजा, क्या जरूरत है तुमको चिल्लाने की, हैं हैं, चलो ओ जी क्या कर रहे, क्या सिलने जा रहे, अरे मेरे को बोल रहा धागा चाहिए, निकला हुआ धागा है, तुम अच्छा पैटी पैक धागा तो। Hey guys, assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel, मुशा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं भी काम पर था, नहीं मैंने घर में थोड़ा सा बनाई थी। और ये देखो यहाँ मेरे टकलू को टोपी पहनाने की कोशिश चालू है पर ये नहीं पहनता है, बाबा क्या करने का, हम लोग तो परेशान हो गए, ये लड़के से परेशान हो गए हम लोग, एकदम परेशान हो गए। और देखो चुप बिठा रहा है बाप को, देखो तो चलिए शबनम भी रेडी हो गया हमारा पाप। एकदम परेशान हो गए, क्या करेंगे बाबा ये लड़के का, क्या करें, एकदम परेशान, देखो चुप बिठाता है, क्या बोल, अब इसको कुछ बोलने का नहीं है, चूहे को इतने अच्छे इतने अच्छे चूहे को कुछ बोलू नहीं, हाँ है भाई, चल पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, चलो चलो चलो। तो नवाब की आगे से लिए, नवाब और नवाब, हम्म, क्या है, हम्म, क्या होना, सब है तुम्हारे पास, चलो सब है, कुछ नहीं यूज कर दे तुम। तो गाइस आज है डे टू और हम लोग ने कल ब्लॉग एंड नहीं किए क्योंकि हम लोग को मतलब कुछ काम ऐसा आ गया था कि घर में ही मतलब हम लोग थे थोड़ा बातचीत में, तो ये वजह से हम लोग ने कल ब्लॉग भी एंड नहीं किया और ब्लॉग भी नहीं बनाए थे। तो आज हम लोग ये ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं डे टू में। तो आज हम लोग बताने वाले, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आए थे कि शबनम आपका हिजाब का कलेक्शन बताओ, है ना शबनम, अबाया का कलेक्शन तो अबाया का कलेक्शन बताओ। तो ठीक है, आज आप लोगों की पब्लिक डिमांड पे आज शबनम बताने वाले उनके अबाया कलेक्शंस। तो चलिए फिर अभी महत को तो थोड़ा ब्रेकफास्ट चालू है महत का, फिर उसके बाद आप लोगों को बताएंगे अबाया कलेक्शन, है ना महत, है ना, आओ, हाँ आ जाओ, आओ जल्दी आ जाओ, सबको सलाम करो, इधर आओ, आओ सलाम करो सबको, अस्सलामुअलैकुम, गोद में लो, इधर आओ, देखो इधर आओ, माँ अस्सलामुअलैकुम, सलाम करो, सलाम करो, अस्सलामुअलैकुम, लो बज गया फोन आ गया। तो आज के हमारे इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि शबनम के जो अबाया कलेक्शन है और उनके मतलब उनके जो क्या बोलते हैं शबनम स्कार्फ ना, हिजाब कलेक्शन है, तो वो आप लोग देखेंगे। तो उससे पहले वीडियो को स्किप मत करना और प्लीज आप आए हो तो लाइक करना और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर बताते हैं आप लोगों को अबाया कलेक्शंस। तो जैसे कि बहुत से कमेंट्स थे कि आप अपना अबाया का कलेक्शन बताओ, तो मैं आज बता रही हूँ अपना अबाया का कलेक्शन। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, जूनो से स्टार्ट करूँ कि नए से, जूने से स्टार्ट करूँ, जूने से स्टार्ट, तो मैं बताती हूँ, देखो बाप रे बाप, अभी और है क्या, ये मैंने पूरा ऐसे निकाल के रखी, तो ये है मेरा सबसे फर्स्ट नकाब, ये वाला,
जो मैं मेरी प्रेगनेंसी में पहनती थी, आप सब लोग को पता ही होगा। और ये पहनती थी तो सब बोलते थे, अरे शबनम नकाब ले लो, नकाब ले लो, नकाब ले लो। तो उसके बाद देखो मैंने कितने नकाब लिए। और तो सब अभी बिस्तर सर ऐसे रखा हुआ है क्योंकि हम लोग उठे, हमें व्लॉग बनाना है और इनको काम पे जाना है, तो सबसे पहले मैं व्लॉग बना, तो कोई रहेगा नहीं घर पे इसकी वजह से। तो देखो सबसे पहले मेरा ये वाला नकाब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अब इसको मैं कुछ डिजाइन कर लूंगी अपने से इसके ऊपर और मैं इसको वापस से पहनने लग जाऊंगी। तो फर्स्ट ये है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये महत के अबू को पहले अच्छा लगता था और ये बीच में मना कर रहे थे पहनने क्योंकि इतने बुरके रहने के बाद फिर वही तुम घसा बिटा बुरका पहन रहे थे इसके लिए। और सेकेंड है ये वाला, मैं कपड़े उल्टे ही रखती हूँ क्योंकि जो भी जंग वगैरह लगा तो उल्टे में लगेगा, सीधे में नहीं लगेगा, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ सीधा कर करके। तो ये दूसरा, ये वाला है दूसरा सेकंड नकाब। जब मैं इनके घर पे गोवंडी गई थी तब मैंने ये वाला नकाब पहनी थी, तो ये रिश्ता लेके आए थे सेकंड नकाब। नहीं सॉरी घर देखने आए थे, अरे घर देखने नहीं आए थे, सॉरी यार बात करने आए थे। अरे मैं पहले बोला रिश्ता देखने आए थे, फिर मैं बोला घर देखने आए थे, बात करने आए थे। और ये नकाब शबाना भाभी, मतलब शबाना भाभी को हम लोग ने दिए थे शादी में, तो शबाना भाभी नहीं पहनते थे तो उन्होंने मुझे दे दिए थे, तो ये सेकंड नकाब। माशा बहुत अच्छा लगता था मेरे को ये चील वाली आस्तीन, बहुत अच्छी लगती थी मेरे को। तो ये हो गया सेकंड, और ये है मेरे शादी का नकाब। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था, अभी ये सारा संभल नहीं पाएगा क्योंकि महत भी है और ये मेरी हाइट से बहुत नीचे जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये नकाब। तो इसको संभालने के लिए ना मुझे बहुत लगता है, इस वजह से मैं तो बहुत पसंद है मुझे ये नकाब, मेरा खुद मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहनूंगी इसको, सिलाई करवा लूँ साइड से ना, खुल गई है इसकी सिलाई। तो ये है मेरा थर्ड नकाब, तीन हो गए हैं, गिनते रहेंगे आप। ये कौन सा है? ये वाला है फोर्थ, चौथा नकाब। जब मैं मेरे भाई के घर पे थी, डिलीवरी हो गई थी मेरी, तब सब्सक्राइबर लोग मिलने आए थे, तो ये वाला नकाब बेटी से आए थे। ये वाला नकाब तो उन्होंने गिफ्ट किए थे, सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट करे थे। मुझे ये नकाब बहुत पसंद है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, इसकी आस्तीनों भी बहुत प्यारी अच्छी लगती है, तो इसलिए देखे रहेंगे आप लोग ने, मैं सबसे ज्यादा यही नकाब पहनती हूँ। और ये नकाब के ऊपर मैं अलग अलग स्कार्फ लेती हूँ, जैसे कि और स्कार्फ भी देखो इनके, ये एक जैसे कि ये वाला हो गया, इसके ऊपर मैं स्कार्फ बताती हूँ, पहले नकाब बता दूँ। तो इसके ऊपर मैं मतलब कोई भी स्कार्फ लगाती हूँ। पांचवा ये वाला, ये तो सीधा करने हाथ दुखता है तो उल्टा क्यों रखते हैं हाथ दुखता है जब तो? क्योंकि उल्टे में कुछ भी लगेगा तो उल्टे में लगेगा, सीधे में हो हो। मेरा मम्मी बोलती थी ऐसा, क्या दिमाग है ऐसे, कपड़े सीधे रखने का, सीधे नहीं रखने का, गंदगी वंदगी लगी तो खराब हो जाते थे। तो ये है चौथा नंबर नकाब, पांचवा नंबर ये है पांचवा। ये पिछले बार, पिछले साल जब रमजान था तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं बोली मेरे को कपड़ा मत दिलाना क्योंकि पेट वेट रहता है तो नहीं अच्छा लगता है कपड़ा, तो मैंने बोली थी ये, मैंने उसके बदले एकदम ट्रेंडिंग चल रहा था नकाब, तब तो ये निकला ही था और पूरे औरंगाबाद में सबसे पहले नकाब मैंने खरीदी थी, मतलब हम लोग ने दूसरा किसी को पहनते हुए देखे ही नहीं थे। मैं जब खरीदी उसके बाद मैंने बहुत से लोगों को देखी, हाँ क्योंकि फेमस हो गया था ना ये नकाब, है ना सबना मेरी वजह से। हाँ तो ये है मेरा पांचवा नंबर नकाब, पांचवा नंबर। तो जस्ट जोग उसके ऊपर का दुपट्टा, ये इसका अलग अलग पांच हो गए, पांच नकाब हो गए। और ये मेरा छठा नकाब, मेरा फेवरेट प्यारा सा, मुंबई से लिए थे, ये नकाब मुझे दिलाए मेरे अब्बा ने। देखो ये वाला नकाब, उस दिन हम लोग मार्केट गए थे, जब मतलब मैं अकेली गई थी तो हम लोग मार्केट गए थे, मुझे नकाब बहुत पसंद आया था, तो मैं बोली अल्लाह अब्बा ये नकाब कितना अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे अब्बा ने मुझे ये वाला नकाब दिलाए थे।
मस्त ये वाला माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला नकाब मेरा। उसका दुपट्टा ये है और उसका बेल्ट ये है, तो मैं इसको अलग अलग किस्म से बांधती हूँ ऐसा। तो ये तो आप लोग देखते ही होंगे। छह हो गया। ओ माय गॉड, अब ये है सातवां। सात नकाब माशाल्लाह। अब मेरा आदमी दिलाता है तो फिर और क्या दे दो। ये है मेरा सातवां नंबर नकाब। सातवां बहुत अच्छा लगता है मुझे नकाब भी मेरा। यहाँ से जो मतलब लास्ट के जो भी है ना वो सब मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे ये नकाब भी बहुत पसंद है मेरा। यस हाँ, उसके ऊपर मैं ये ब्लू वाला स्कार्फ ही लेती हूँ क्योंकि उसके ऊपर ये बहुत प्यारा लगता है। तो ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है। हाँ, सातवां नकाब। ये है आठवां और ये है मेरा आठवां कलेक्शन। ये तो मैं अभी गई थी मुंबई तो लेके आई थी। शबनम और एक था ना इसके साथ का, पिछली बार दो लिए थे मुंबई के। तो ऐसा तो है ना, एक वाइट वाला एक ये। नहीं नहीं नहीं, इसके साथ और एक लिए थे ना, दो नकाब लिए थे ना। एक पहली बार में सिर्फ एक लेके आई थी। ये देखो ये वाला, ये आठवा मेरा प्यारा सा नकाब। इसके ऊपर भी मैं ये वाला दुपट्टा कोई भी स्कार्फ लेती हूँ, अच्छा लगता है, ब्लैक एंड व्हाइट है ना इसलिए। और ये मेरा नौवा नकाब। अभी एक और ले लूंगी, दस सबसे मस्त, सबसे ऑसम, एकदम ब्यूटीफुल। मैं वाइट वाला एक और वाइट खरीदूंगी अभी, बहुत मस्त वाला। क्योंकि देखो मैं कपड़े वपड़े लेती हूँ तो इतना दिखता नहीं है, तो मतलब नहीं है, तो मैं इसलिए अच्छे अच्छे नकाब ले लेती हूँ। तो देखो एक ये वाला है, ये नौवा। अभी दस नकाब ले लूंगी, एक और अभी तीन नकाब और ले लूंगी तो एक दर्जन पूरा हो जाएगा। तो देखो अब क्या नहीं और थे ना। अरे बस ना, नहीं बाबा और थे। ये देख कहाँ से लाओ, और है ही नहीं। तो नहीं है नहीं, मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है कि ये वाले के साथ और एक लिए थे। अभी जो सेकंड गई हूँ ये ब्लैक और ये व्हाइट लेके आई हूँ। पहले एक ही लिए थे, सबसे पहले एक ही ली थी समझे, जबरदस्ती जितने थे सब दिखा दी। अच्छा तो ये नौवा नकाब। ये है नौवा और इसके साथ में ये वाला स्कार्फ और ये वाला स्कार्फ लेती हूँ। और इसका सो गाइस ये देखो इतने सारे नकाब, ये क्या है इसका। तो आप लोग ने नकाब देख लिए, मेरे पास नौ नकाब है और उनके सबके ऊपर दुपट्टे भी हैं, पर मैं जैसे कि अलग अलग लेती रहती हूँ। तो यहाँ है मेरा दुपट्टा का हिजाब का कलेक्शन। तो देखो फर्स्ट ये है ग्रे कलर, ग्रे वाला। हाँ मस्त फर्स्ट। पहला ये है और नकाब के साथ चबनम ये कैप लगाना भी बहुत पसंद करते हैं, वो टिकी रहती है। और देखो एक ये वाला नकाब है, ये वाला हिजाब जो वो लेयर में रहता है ना। हाँ तो ये वो लेयर बना हुआ वाला है। ये दो और ये मैंने शादी में लेके आई थी तीन। खोलो तो उसको थोड़ा। अरे देखे सब लोग ने वाला इसका। अरे हाँ यार ये वाला है ना। हाँ घड़ी टूट जाएगी ना। तीसरा सब इतना अच्छा घड़ी करके रखी थी पूरा टूट गई घड़ी। और ये है चौथा। चौथा ये भी देखे आप सबने, मैं बहुत बार पहनी भी चौथा। और ये ब्लैक वाला, ये अभी ही मुंबई से स्कार्फ के नकाब के साथ ही लेके आई थी। पांचवा ये पांचवा, ये है छठा बॉटल ग्रीन। हाँ ये सातवां, सात ये वाला। और ये आठवां, सब बोलेंगे कितने सारे नकाब लेके। आठवां ये है नौवां एंड ये है दसवां, ये है ग्यारहवां। मैं ऐसे वाले इसका इसलिए लेती हूँ क्योंकि जब मैं हिजाब बांधती हूँ तो मैं इसको यहाँ ऐसा रखती हूँ,
तो बहुत अच्छा लुक आता है स्कार्फ का, इस वजह से मैं ऐसे वाले लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ये वाला भी ऐसे ही है ऐसा। ग्यारहवा, बारह, ये बारहवा, एक दर्जन। तो मेरे पास पूरे टोटल एक दर्जन स्कार्फ है और नौ नकाब। नौ नकाब माशाल्लाह। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा नकाब का कलेक्शन, जरूर बताना। और अगर ऐसा कुछ लगा कि मैं और नकाब लूँ तो आप लोग मुझे कमेंट। अरे अल्लाह, बस अब कितना लेंगे? तीन नकाब और लूंगी तो पूरा एक दर्जन स्कार्फ, एक दर्जन नकाब हो जाएगा। नहीं पर जब अगर नकाब ले लूंगी तो स्कार्फ और बढ़ जाता है मेरा। बहुत खर्चा है बाबा, ये लड़की के पीछे बहुत खर्चा है। तो करते हैं ना आप, इसलिए तो खर्चा है। सो गाइस, कैसा लगा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को शबनम का अबाया कलेक्शन एंड हिजाब का? हाँ। तो कमेंट करके जरूर बताना और हर बार की तरह इस बार भी प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर, आज के लिए इतना ही काफी है और आज का हमारा ब्लॉग इधर ही समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय, गुड नाइट, स्वीडन, टेक केयर। बोल देते नहीं, सॉरी, बाय बाय, हाथ, बाय हाथ को देखो इसको तो भैया बहुत चंदा मामा।